हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने पहली सूची में 46 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हालांकि 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अभी भी बाकी है। कांग्रेस ने डलहौजी विधानसभा सीट से आशा कुमारी को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं नगरोटा से आरएस बाली, नादौन से सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ बेखौफ बदमाशों ने पुलिस पर सरेआम फायरिंग कर दी और 3 दिन पहले हुई इस घटना की तस्वीरें वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिनमें एक मोटरसाइकिल पर सवार बदमाश दिन दहाड़े 2 पुलिस वालों पर फायरिंग करते दिखे। जो फुटेज सामने आई उसमें एक मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश दिखे और एक दूसरी मोटरसाइकिल पर 2 पुलिस वाले उनका पीछा करते नजर आए। इनमें एक तीसरा बदमाश भागते हुए अपने साथियों के पास पहुंचा, जिसके बाद मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे बदमाश ने गोली चलाई जो उनकी धरपकड़ में जुटे एक पुलिस वाले को जाकर लगी। हालांकि इसके बाद भी पुलिस वालों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग खड़े हुए। लीड हम लोगों को इसमें मिली है और उम्मीद है कि जल्दी ही पूरे केस का खुलासा कर दिया। पुलिस वाले पर फायरिंग होने के बाद आसपास मौजूद लोग उसकी मदद के लिए आगे आए और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। एनआईए ने आतंकियों और गैंगस्टर के बीच